नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली आया हुआ था संडे का दिन। मुझे याद है कि आपको बड़ा बेसब्री से राजीव नारायण जी की बातों का इंतजार रहता है। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इसका इंतजार रहता है। हर बार की तरह मैं पहले कह दूं कि मेरा ज्योतिष में यकीन है, इसलिए ये मैं प्रोग्राम करता हूँ। अगर आप लोगों का यकीन हो तो आप देखिए, वरना बिल्कुल मत देखिए। मेरा ज्योतिष में यकीन है। राजीव जी इंजीनियर हैं, लेकिन उसके बाद 10 साल तक उन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई करी और दुनिया भर में उनके प्रशंसक, दुनिया के कई देशों से मेरे पास लगातार राजीव जी का नंबर मांगने के लिए मेल आते हैं, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, जापान हो, जगह जगह से। राजीव जी की कुछ भविष्यवाणियां गलत भी हुई हैं, बहुत सारी सही भी हुई हैं। लेकिन राजीव जी ने चंद्रचूड़ जी को लेकर भविष्यवाणी की थी, जब उन्होंने शपथ ली कि चंद्रचूड़ जी का एक फैसला मोदी सरकार की कपकपी चढ़ा देगा। वो सही हुआ कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर जो फैसला आया, उसने मोदी सरकार की कमर तोड़कर रख दी है, अगर ये फैसला लागू हो गया। आज भी उन्होंने चंद्रचूड़ साहब के EVM को लेकर खुलासे किए और ये भी कहा है कि कल से, बीते हुए कल से भाजपा की हालत ग्रह खराब है। चलूंगा राजीव जी के पास, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल का नीचे ज्वाइन बटन है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं सीधे राजीव जी के पास। स्वागत है राजीव जी आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में, और मैं मान गया आपको, सलाम आपको। आपने हमारे यहाँ जब चंद्रचूड़ साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ ली थी, मैंने आपने प्रोग्राम किया था और आपने उस समय भविष्यवाणी करी थी कि चंद्रचूड़ साहब एक कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे सरकार पूरी हिल जाएगी। और आपने ये बात कहा था कि चंद्रचूड़ साहब एक ऐतिहासिक फैसले से देश को एक नए मुकाम तक ले आएंगे। और वाकई में पिछले हफ्ते में ये जो मामला हुआ है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का रोकने का, एक देश का एक बड़ा बड़ा फैसला है। पॉलिटिकल पार्टियों को पसीना आ गया है और चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि पूरा अपना लेखा जोखा बताओ कि भैया किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। और अब पार्लियामेंट चूंकि अब बची नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकते कि पार्लियामेंट बुला के बिल पास करा लिया जाए। तो क्या राजीव जी आपको पता था कि चंद्रचूड़ साहब कुछ बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं? आपने कही कैसी थी ये बात? हाँ देखिए, ऐसा है संजय जी कि हमने हमेशा कहा है कि हम काल की गणना करते हैं। ज्योतिष जो विषय है वो काल का ही विषय है, काल अर्थात समय। तो जब चंद्रचूड़ साहब ने, वो शायद नवंबर फर्स्ट वीक 2022 में इन्होंने ओथ ली थी, उस ओथ को मैंने पूरा एनालाइज किया और एनालाइज करके जो प्रेडिक्शन सोशल मीडिया पे आपके चैनल पर है वो दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। उसमें मैंने ये कहा था कि ये सरकार के लिए अपने इस कार्यकाल में, जब तक इनका चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल रहेगा, डेथ लाइक वारंट जो है इशू करेंगे ये। तो आपको, दर्शकों को ये बता देता हूँ, ये एक तरह से बेसिकली डेथ का वारंटी है। कारण ये है कि जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी बैन कर दी गई वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में, और आपको पता है पाकिस्तान में उनके सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़े थे, तो इस जजमेंट की जो मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसनेस क्या है, कि कल को अगर ये प्रूव हो जाता है कि भाजपा के खाते में जो बॉन्ड आए गए हैं वो मॉरिशस या सिंगापुर से किसी बेनामी कंपनी के आए हैं, तो एक तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। दूसरा बात है कि भाजपा एक संस्था पूरी तरह से बैन हो जाएगी, मतलब आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, भाजपा का चुनावी बैन हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये अगर ये सिद्ध हो जाता है तो, कि अगर इनके पास काला धन आया, और काला धन आया है, ये मैं निरंतर आपके लगभग हर प्रोग्राम में मैं दिखा रहा हूँ कि भाजपा की कुंडली में छल कपट के अलावा काले धन का इस्तेमाल करने का जबरदस्त योग है। काले धन का इस्तेमाल, दर्शकों को बता देता हूँ, द्वितीय भाव से धन कमाने की टेंडेंसी देखी जाती है, वो राहु केतु के बीच में पीड़ित है, साथ में 12वां घर विदेश का होता है, और 12वें घर में बकरी शनि, इनके तीसरे घर में बकरी शनि, बकरी गुरु, बकरी मंगल और राहु हैं, तो सारा छल कपट का योग इनके पास मौजूद है। और 12वां घर मतलब विदेश से पैसा आने का। अगर इसकी जांच की जाए, जो भी सरकार 2024 के चुनाव के बाद में आएगी, अगर भाजपा की जांच की जाए तो भाजपा का काला धन भी वहां पर विदेशी बैंकों में मिलेगा। और भाजपा एक और षड्यंत्र करती है कि भाजपा जो है इन शेल कंपनियों के जरिए हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में पैसा लगवाती है, और आप देखिए चुनाव के पहले शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल लाया जाता आर्टिफिशियल, उसके बाद वो जो है जब आपका चुनाव हो जाता तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, मतलब वो पैसा अपना डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना कर लेते हैं, और हमारी बेचारी भोली वाली जनता उसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। तो जब भाजपा की कुंडली में पहली बार जो सत्ता में कुंडली है
उसकी कुंडली में काला धन ब्लैक मनी का आना और ब्लैक मनी को एक्सेप्ट करना और बेहतहाशा हर तरह से सामदान दंडवे जितनी भी सरकारें गिराई गई उसमें मैं नहीं जाता, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कैसे पैसा खर्च करते हैं। मोदी जी को एक बड़ा एक जबरदस्त शौक लग गया है रोड शो करने का, जिसको चाहे वो रोड शो करा देते हैं। कि वो मैक्रोन आया फ्रांस का राष्ट्रपति, उसको क्या लेना देना, जयपुर में ले जाकर उसको रोड शो करा दिया। उसके अबू धाबी का शेख आया, उसको भी ले जाकर रोड शो करा दिया। वो भी सोचते होंगे यार इस आदमी को सड़क पर घुमाने की क्या आदत लग गई है, क्योंकि और तो मोदी जी के साथ डायरेक्ट जनता का संपर्क कुछ होता नहीं। मोदी जी बहुत डरपोक किस्म के व्यक्ति है, मैं हर प्रोग्राम में बता चुका हूँ, पब्लिक से संवाद नहीं कर सकते। यही रीजन है कि मोदी जी का ये भय है कि मोदी जी ने आज तक अभी 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। तो ये विषय जो चंद्रचूड़ साहब का जो जजमेंट आया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वास्तव में ये बेसिकली आजाद भारत के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जजमेंट में से गिना जाएगा। क्योंकि कपिल सिब्बल जी को एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, कपिल सिब्बल जी जो नामी गिरामी देश के वकील हैं, उन्होंने कहा था मैंने अपने वकालत के कैरियर में पिछले 25 साल में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इतना स्ट्रॉन्ग जजमेंट नहीं दिया है, इसकी परतें तो आगे खुलेंगी आने वाले समय में। आप देखिएगा कि इसमें कौन कौन फंसने वाला है, इसमें इलेक्शन कमिश्नर सारे फंसेंगे, इसमें बैंक के अधिकारी भी फंसेंगे, भाजपा और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस पे आक्षेप लगता है, और कितने लोगों को जेल होगी, ये सब आने वाले हम काल पे छोड़ देते हैं कि जब अगली सरकार आएगी तो उसको निर्णय लेने दीजिए। लेकिन इसमें बिल्कुल पाकिस्तान जैसा हाल होने वाला है कि एक राजनीतिक पार्टी का इस तरह से षड्यंत्र के जरिए जो है इसमें नाश होने वाला है। मैं बार बार कहता था कि अहंकार जो है, जैसे रावण के अंदर अहंकार आया तो रावण ने अकेला नहीं रावण मरा था, रावण ने पूरे वंश को मरवाया पहले। तो यही काम मोदी जी के साथ हो गया है कि मोदी जी ने ऐसा कार्य किया, ऐसा वो बिल लेकर के आए कि पूरी संपूर्ण भाजपा के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा आने वाले समय में। तो राजीव जी, मेरे लिए बड़ा हैरानी की बात है कि आप कह रहे हैं चंद्रचूड़ साहब के एक फैसले से कि भारत में भी पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? या आपके कुछ ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि भाई एक फैसला आया और भारत में भी पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी? देखो उसका कारण है ना, देखिए ऐसा है कि भ्रष्टाचार के मामले के कारण ही पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी बैन हुई और इमरान खान को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने चुनाव में लड़वाने पड़े। आज जो भाजपा की हॉरोस्कोप में मैंने आप लोगों को जो हॉरोस्कोप दिखाई है, उसमें भाजपा की कुंडली में छल कपट से काले धन से पैसा कमाने का, पैसा अर्जित करने का, वेल्थ क्रिएशन का जो है योग है। और वेल्थ क्रिएशन का जो छल कपट से कैसे योग होता है, ज्योतिष के अनुसार दूसरा घर जो होता है हमारी कुंडली में वो पैसा कमाने की टेंडेंसी है, अगर वो उसका स्वामी पीड़ित हो। और बारहवां घर होता है विदेश का, आठवां छठवां घर होता है हमारा षड्यंत्र का, छल कपट से ब्राइब के जरिए जो रिश्वत जो देखी जाती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन भाजपा की कुंडली में है, क्योंकि उनकी कुंडली में तीसरा घर होता है हमारा एफर्ट्स करने का, जो हमारी सोच होती है ना, इंक्लिनेशन जो होता है वो हमारा तीसरा घर है। उसमें वक्री मंगल राहु, वक्री गुरु, वक्री शनि, तो सारे मौजूद हैं, और चंद्रमा नीच का है। तो भाजपा की कुंडली में ये पैसा धन कमाने का योग है। अब जजमेंट एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वो बॉन्ड के जितने भी डोनर हैं उनके नाम डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, और आदेश दिया SBI को जिसने बॉन्ड इश्यू किए थे, और वो चुनाव आयोग को फर्दर आदेश है कि वो 13 मार्च तक वो उसको सार्वजनिक करें। आप बताइए कि जो 2022 और 2023 में जितना पैसा आया है भाजपा को, उसमें 90% पैसा भाजपा को मिला है जो चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा आया। उसमें से अगर शेल कंपनी, और जो सुप्रीम कोर्ट में उस डिटेल में जजमेंट में नहीं जाऊंगा, उन्होंने ये कहा कि कोई फर्जी कंपनी चलाने वाला, फर्जी कंपनी चलाने वाला भी दान दे सकता है उसमें, और वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, कंपनी है, वो भी उसमें डोनेशन दे सकती है, कितना दे सकती है कोई लिमिट ही नहीं है। राजीव जी, ये बात तो ठीक है जो आप मुझे बता रहे हैं कि बीजेपी की जन्मपत्री में ये दोष है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आपने चंद्रचूड़ साहब के बारे में, मैं इसलिए और पूछ रहा हूँ कि जब चंद्रचूड़ साहब ने शपथ दी थी और तत्काल शो किया था मैंने आपके साथ, हमारे दर्शक जो हैं वो राजीव जी की जहाँ भविष्यवाणियां हैं वहां पे जाके देख सकते हैं कि राजीव जी ने तब कहा था कि चंद्रचूड़ साहब फैसला ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, और ये कैसा फैसला लेंगे तो भाजपा को हिला देगा, सरकार को हिला देगा, वाकई फैसला हुआ। मैं दूसरी चीज जानना चाहता हूँ राजीव जी, चुनाव में 2 महीने बचे हैं, देश पूरा चुनाव के मोड में आ गया, प्रधानमंत्री जी तो हमेशा मोड में रहते रहते हैं। एक बड़ा मुद्दा अटका हुआ है, मैंने कल सैम पित्रोदा साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने
कहा था, उन्होंने बड़ी उम्मीद जताई थी कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड तो हो गए लेकिन हमें ईवीएम के मुद्दे पर भी चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि देश में चुनाव का पालन कराने के लिए, नियम से पालन कराने के लिए कोई बेईमानी ना हो, तो वो ईवीएम पे लोग शक कर रहे हैं, ईवीएम हटाई जाएगी और ये मुद्दा, ये अपीलें पेंडिंग हैं चुनाव आयोग में। तो क्या लगता है, क्या चंद्रचूड़ साहब ईवीएम के मुद्दे पर भी कोई फैसला ले सकते हैं? 5 फरवरी को मैंने ट्वीट किया था कि 5 फरवरी को मंगल ने राशि बदली, भारत की कुंडली जो भारत की कुंडली है, भारत की कुंडली में मंगल जो है या 9वें घर में आ गया था। ये 9वां घर जो होता हमारा, ये जुडिशरी का माना जाता है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट जो है 9वें घर से देखे, यहाँ पर मंगल है इस समय। तो भारत की कुंडली में मंगल, और मंगल है हमारा उत्तेजना का और स्ट्रॉन्ग, और मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाता है। तो मैंने 5 फरवरी को ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के कठोर निर्णय आने वाले हैं। तो देखिए, एक तो 2022 में भविष्यवाणी सुप्रीम कोर्ट की, दूसरी बात मैंने 5 फरवरी को, मतलब माइक्रो मैक्रो में भी आ गया मैं कि उसको मैंने और नैरो डाउन किया ना, ये तो आपने, मैंने देखा था ट्वीट 5 फरवरी को ही आपने कहा था कि बहुत कठोर फैसले आने वाले हैं, याद है मुझे। भविष्यवाणी पूरी हुई है, मैंने कहा जनता आंदोलित होगी और आप देखिए जनता आंदोलित हुई कि सड़कों पे किसान भी आए। तो इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग जजमेंट आ रहा, अब ये मंगल के 3 गोचर खराब है। मंगल का 1 राशि में रहना 45 दिन तक रहता है, 45, 45, 90 और 45, 135 दिन, ये 3 जो है गोचर ट्रांजिट, 135 डेज, मतलब 4 महीने से ऊपर। इसमें मंगल क्या करने वाला है, सत्ता के लिए, सत्ता के उखड़ने का रास्ता तैयार कर देगा। जैसे आपने किसानों के लिए कीलें गाड़ी रखी है ना, तो अब ऊपर वाले ने, ऊपर वाला जो है ना काल भगवान जो कंट्रोल कर रहा है, उसने ये भाजपा के लिए ये मुसीबत खड़ी कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इन 135 दिन में कोई भी अगर मैटर आया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इवन उस बड़े से बड़े नेता को जेल भेजने से नहीं चूकेगी। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, पार्टी के ऊपर बैन लगाना, किसी बड़े अधिकारी को जेल भेजना, ईडी सीबीआई, मैंने सब लोगों के लिए इसमें कहा है कि जांच एजेंसियों के लिए भी खतरे का समय है इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग, बहुत सारे लोग, मेरे मित्र लोग भी निराशा आने लग गई थी। कुछ जजमेंट तो चंचू साहब ने बहुत अच्छे दिए, बीच में कुछ सुस्ती सी आई तो लोग बड़े निराश होने, मैं हंस के बोला, मैंने देखो ऐसा है, ये सब काल के ऊपर छोड़ दीजिए, काल में जब जैसे ही ग्रहों का योग आएगा अपने आप आने लगेगा। वो आपने देख लिया कि ये अपने आप में कपिल सिब्बल जैसे वकील कहते हैं कि 25 साल में एक स्ट्रॉन्गेस्ट जजमेंट है जितने भी चीफ जस्टिस हुए पिछले। तो ऐसी अवस्था में ये जो भी जजमेंट अभी मैटर आएगा, चाहे ईवीएम का है या और किसी तरह का मैटर आए, वो मैटर में सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा सख्त इसी तरह के जजमेंट देने वाला है। यानी साहब ने जो कल मुझसे इंटरव्यू में जो शंका जताई, वो शंका क्या जताई बल्कि उन्होंने आशा जताई कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के मसले पर भी उसको फैसला देना चाहिए। और ये सैम पित्रोदा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरी दुनिया में कई देशों में ईवीएम का मुद्दा सामने आया था। तो आपका कहना यह कि मंगल जो आया है, अगले 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जो भी फैसले जाएंगे वो न्यायपूर्ण होंगे, वो बहुत चौंकाने वाले होंगे और सरकार के लिए अहितकारी होंगे। तो आपको शंका है कि भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री जी को इस मंगल के कारण अगले 4 महीने कुछ ज्यादा बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? ज्यादा बड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी परेशानी का जिसकी नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल में कल्पना नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये भारत की कुंडली के आधार पर मैं बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत कुंडली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस मंगल का यहाँ पर जाना, दूसरा एक ग्रह और चेंज हो रहा है 1 मई को, बृहस्पति भारत की कुंडली में, जो मैंने कुंडली दिखाई भारत की, उसमें लगन में जा रहे हैं और बृहस्पति विवेक का कारक है, विवेक, और वहां से बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि जुडिशरी पे पड़ेगी। तो सडनली आप देखेंगे जुडिशरी का विवेक भी पावरफुल हो जाएगा, विजडम पावरफुल हो जाएगा। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी आएगी जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट ही इस देश में प्रजातंत्र को बचाने का, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का निर्णय लेने जा रहा है। और इतनी वाहवाही सुप्रीम कोर्ट की होने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट को लोग भगवान और देवता समझने लगेंगे। आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट कि वास्तव में आपका जो खोया हुआ विश्वास है, जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से लोगों थोड़ी सी निराशा हुई थी, प्लस संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। ये याद रखिएगा, ये जीपिंग और पुतिन नहीं बन सकते यहाँ पर कोई भारतवर्ष की कुंडली में, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली का जो आजादी का समय निकाला गया था वो 2 ज्योतिषियों ने निकाला था। उन ज्योतिषियों ने एक ही चीज देखी थी, एक तो हमारे भारतवर्ष का जो जन्म हुआ है पुष्य नक्षत्र में हुआ है, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि हमारे भारत की कुंडली का 9वें घर का स्वामी है, मतलब प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का, जुडिशरी का।
और शनि तीसरे घर में बैठा है, वो जुडिशरी के हाउस को देख भी रहा है। सो इसका अर्थ यह है कि जब तक ये भारत रहेगा, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं कि जब तक ये भारतवर्ष रहेगा, न्याय हमेशा यहां पर जिंदा रहेगा। और न्याय और न्यायालय यही आपके लिए डेमोक्रेसी के जो जो क्या नाम है फाउंडेशन को बचाने का काम करेंगे, तो ये करेंगे। तो आने वाले टाइम में देखिएगा। आपका कहना ये है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत में तानाशाह कोई नहीं बन पाएगा, भारत में तानाशाही नहीं आ पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए आप मेरी एक और भविष्यवाणी देखिए, मैंने क्या कहा था कि अशुभ काल में अधूरे मंदिर में सकी, ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि प्राकृतिक प्रकोप आएंगे, राजा के लिए कष्ट, राजा के लिए मृत्युतुल्य कष्ट भी कहा है। इससे बड़ा राजा के लिए मृत्युतुल्य कष्ट क्या है कि उसकी फाइनेंस की जो सप्लाई लाइन है वो काट दी गई है, जो उसके पैसे की सप्लाई लाइन थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कट गई, आगे तो बॉन्ड अब खरीद नहीं पाएंगे, बल्कि जो पिछड़ा लिया है उसका और हिसाब किताब देना पड़ेगा। साथ में मैंने ये भी कहा था, देखिए प्राकृतिक प्रकोप का मतलब यही होता है कि यहाँ हमेशा राजा को दंड मिलता है, काल जो है व्यक्ति विशेष को दंड नहीं देता, वो राजा को दंड देता है। तो उसके नाते आप ये देखिए कि पिछले एक अभी एक महीना नहीं हुआ है, 22 जनवरी से 22 फरवरी नहीं आ पाई है, और क्या मामला आपके सामने फैल होगा। एक तो इतना बड़ा जजमेंट आ गया जो सारी आपके कालिक लग गई, दूसरी बात है कि जनता आंदोलित हो गई है और जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी दिल्ली में भी कल 11-12 मर गए, वो मध्य प्रदेश में भी वो क्या नाम है पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, वहां पर भी लोग मरे, और लगातार लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। सुप्रीम और ईवीएम का आंदोलन भी काफी फैल रहा है। एक और डेट मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ, 28 नवंबर को राहु केतु बदले थे, बृहस्पति राहु केतु से पीड़ित था पिछले वर्ष, तो जितने भी चुनाव में छल कपट थे वो 28 नवंबर से हुए। 28 नवंबर के बाद एक ही चुनाव हुआ था तेलंगाना का, तो तेलंगाना का रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया है बाकी राज्यों के चुनाव से। तो अब यही बृहस्पति, अब मतलब इसका अर्थ ये हुआ, ज्योतिष के जो प्रेमी हैं वो ये जान जाए कि जब जब बृहस्पति शुद्ध अवस्था में आएगा तो भारत का विवेक और चेतना, ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष में चेतना का कारक भी बृहस्पति को माना गया है। और नौवां घर हमारी, हमारे सबकी, हम लोगों की कुंडली में 9th हाउस है कॉन्शियसनेस का, होता है चेतना का। तो ये जो हम अच्छे निर्णय जब लेते हैं तभी लेते हैं जब हमारी चेतना पावरफुल होती है। और जिन लोगों, जो लोग अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त का मतलब क्या है, अंधभक्त मतलब जिनका विजडम जो है कमजोर हो चुका है, जो असत्य को सत्य मान के बैठ गए हैं, इसका दूसरा अर्थ यह है कि उनकी चेतना कमजोर हो चुकी है। चेतना कमजोर होने से ही हम किसी के अंधभक्त बनते हैं और गुलामी की तरफ जाते हैं। तो यहां पर आप ये देखिए, बृहस्पति का शुद्ध होना, शनि का पावरफुल होना और मंगल का ये गोचर जो 4 महीने का, ये नाना प्रकार के मोदी जी के लिए कष्ट लेकर के आने वाला है। आवाज आवाज, 4 महीने में चुनाव हो जाएंगे, भारत का भविष्य तय हो जाएगा, और आप कह रहे हैं मोदी जी के लिए 4 महीने बहुत बुरे हैं। आप क्या कह रहे हैं, मोदी जी बहुत नाराज हो जाएंगे सब लिया तो। आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कंटक शनि का योग बताया था, कंटक शनि की किताब दिखाई थी, मैंने ये कहा था कि मैंने 2000 के बाद में 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 2004 में, 2014 में, 2024 में होने वाला है, 2019 में भी हुआ, तो मैंने इन चारों चुनावों को मैं फोकस किया था। तो मैंने बताया था कि ये जब शनि चंद्रमा से 12वें घर में, चंद्रमा से 8वें घर में, चंद्रमा से 14वें घर में जब शनि का गोचर होता है तो जनता की राय राजा के विरुद्ध जाती है। तो इस समय ये योग बन चुका है जो अभी तक खुलासे नहीं हो रहे। हालांकि देखिए आप देखिए, जांच एजेंसियां सरकार के अधीन आती हैं, इसीलिए कोई जांच नहीं हो रही है, तभी ये लोग कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। तो ये अब शनि का गोचर भी ये संकेत दिखा रहा है कि जनता अब इनकी बातों में बहकावे में नहीं आने वाली है, और वो जनता हर मुद्दे पर अपने लेकर आंदोलित होगी, सड़कों पर आएगी। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, ये है कि राजीव जी, ये कौन सा ग्रह है कि किसान सड़कों पे आ गए, देश में चुनाव 2 महीने बचे हैं, अचानक किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, क्या ये भी कुछ ग्रह नक्षत्र होते हैं कि सरकार के खिलाफ एकदम, जो आपने कहा था मुझसे कि इन गोचर के बाद में जनता सड़क पे आएगी, वो दिख रहा है मुझे, तो ये क्यों, कौन सी चीज है जो किसान और बाकी मजदूर, अब तो जो मूवमेंट हो रहा है उसमें सब लोग जुड़ रहे हैं, ये कौन सा ग्रह है जो सरकार का खिलाफ दिख रहा है? एक और आपके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में मैंने एक कुंडली दिखाई थी, नरेंद्र मोदी जी ने जो ओथ ली थी, नरेंद्र मोदी जी ने ओथ ली थी 30 मई 2019 को 7:06 पर, ये कुंडली देख लीजिएगा, और उस कुंडली को अपने स्टाफ में बोलिएगा कि हाईलाइट करेंगे। उसमें देखिए, मैंने उस समय ही जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तभी बता दिया था कि इनके कार्यकाल में किसानों में अनरेस्ट होगा। और आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं
कि वैदिक ज्योतिष में चौथा घर हमारा भूमि का होता है, भूमि से संबंधित कोई भी मसला हो, जो आपकी फार्मिंग भी जो है चौथे घर से आती है, शनि जो है हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार एग्रीकल्चर लैंड का कारक माना गया है, और मंगल है उत्तेजना का कारक। तो इस समय जब शनि मकर में आया, जो किसान आंदोलन अपने आप से नहीं हुआ, ये काल ने इसको बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि जब शनि भारत की कुंडली जो मैंने चर्चा की है आपके साथ में, उसमें मकर में जब बैठेगा तो उसकी आठवीं दृष्टि चौथे घर पे जा रही है सिंह राशि में, और शनि की भी चौथे सातवीं दृष्टि चौथे घर पे पड़ रही है। तो शनि और मंगल के योग के कारण किसान जो है सड़कों पर आ गए, और ये आंदोलन अब यहां से रुकेगा नहीं, क्योंकि ये आंदोलन चलता रहेगा। क्योंकि अभी जो संक्रांति आई है, जिसको कि हम सूर्य ने अभी राशि बदली है, कुंभ राशि में 13 तारीख की रात को सूर्य ने राशि बदली है, उसमें भी सूर्य और शनि इकट्ठे हैं। तो सूर्य शनि जब भी इकट्ठे होते हैं तो राजा और प्रजा के बीच में ईगो की प्रॉब्लम आती है, मतभेद बढ़ता है। ईगो की प्रॉब्लम किसी की कुंडली में तब आएगी जब सूर्य और शनि इकट्ठे होंगे, तो राजा और प्रजा के बीच में यहाँ समझौता नहीं हो पाएगा, और ये आंदोलन ऐसे तेज चलता रहेगा। इस आंदोलन में अब दुर्भाग्य क्या है? देखिए, पहली बात तो ये दर्शक समझ लें कि इससे ज्यादा प्रत्यक्ष उदाहरण आपके जीवन में नहीं मिलेगा कि अगर वो पूजा सफल हुई होती तो नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही हो रही थी, राम मंदिर नाम का मुद्दा अब कोई बचा नहीं है, गोदी मीडिया दिखा नहीं रहेगा, सड़कों पर आंदोलन आंदोलित है किसान, और वकील इसमें जुड़ रहे हैं, ईवीएम के आंदोलन वाले भी जुड़ रहे हैं, मजदूर संघ भी जुड़ रहे हैं, और ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो इस समय पर जब हो रहा है चुनाव के आने जस्ट एक महीने पहले, अनाउंसमेंट से पहले, तो ये किसने किया है? ये काल ने किया है। और बार बार जो शंकराचार्य भी जो बद्दुआ दे रहे थे, शंकराचार्य ने भी श्राप दिया था कि इस राजा के लिए आने वाले समय में कष्टकारी होगा, तो देखो उनका भी तो श्राप काम आ रहा है, ज्योतिषी तो अपने ग्रह गोचर को देख ही रहा है। तो अब आप बताओ, एक महीना नहीं हुआ, 22 जनवरी से 22 फरवरी आई नहीं है, और ये सारा आपके सामने फैल गया। और देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके क्या कहा था कि बीजेपी की कुंडली में मति भ्रष्ट होने का योग है, कहा था ना, और आपने उसमें हेडलाइन भी दी थी कि 17 फरवरी से बीजेपी के लिए और कठिन समय आ रहा है। मति भ्रष्ट होने का योग क्या होता है कि आप गलत निर्णय लोगे, तो बजाय किसानों से शांति वार्ता करने के, उनसे प्यार से, उनको भाई जनता है वो आपकी, और प्रजातंत्र में जनता ही तो मालिक है, उनको आप दिल्ली बुलाते, चाय नाश्ता खिलाते, उनसे बात करते, आपने कीलें ठोक दी वहां पर। और इस तरह से राजीव जी, फिर तो आज 18 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कल से बीजेपी के बुरे दिन शुरू, यानी हम लोग जो शो चल रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अशुभ समाचार आने वाला होगा। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना कि एक तो आंदोलन ये खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन फैल जाएगा। दूसरा बात है, और इसमें उत्तेजना आ रही है, अगले महीने में जब मंगल 15 मार्च को मंगल कुंभ राशि में जाएगा, और शनि और मंगल जब इकट्ठे होंगे तो ग्रह युद्ध होगा, उसमें व्यापक रूप से हिंसक होने का भी योग दिखाई दे रहा है। अरे ईश्वर ना करे ऐसा हो देश में, वही हिंसक इस तरह का कि आप देख रहे हैं अभी भी जिस तरह से किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, डायरेक्ट गोली मारी जा रही है, और उनको जो है देश के भाग विधाता है वो, उनके संग जो व्यवहार हो रहा है बहुत खराब है, ये कहने नहीं है। लेकिन आज तो कमाल कर दिया आपने, बहुत सारे धमाके कर दिए, और आखिर में राजीव जी जो आप अपना एक लोगों को एक संदेश देते हैं, वो मैं आपसे चाहूंगा कि आप वो संदेश भी लोगों को। हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज में बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक विषय हमारे को लेना है कि 19 तारीख को मोदी जी एक कल्कि धाम में उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो नए नए बाबा जी जो बने हैं, तो पहले तो मैं लोगों को बता। प्रमोद कृष्णा जी का एक बड़ा बढ़िया वीडियो वायरल हो रहा है, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं सुनवाऊंगा दर्शकों को कि जो जो अल्लाह का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। तो वो जो इस तरह का उनका बड़ा अच्छा था है, तो हो सकता है वो उन्होंने सुनाया होगा कि जो मोहम्मद का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा, सुनाया होगा मोदी जी को, मोदी जी को लगा होगा कि बात सही है, जो मोहम्मद का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। तो राम और मोहम्मद है तो एक ही, हम तो हमेशा से कहते हैं चाहे वो राम हो चाहे यीशु हो चाहे मोहम्मद हो, ईश्वर तो एक ही है, ये तो यही लोग हैं जो मोहम्मद को अलग करते हैं यीशु को अलग करते हैं, हमारे लिए तो सारे भगवान एक जैसे। तो हो सकता है मोदी जी को समझ में आ गई हो प्रभोध कृष्ण जी की बात, जो मोहम्मद का नहीं हुआ वो किसी को क्या होगा, इसलिए जा रहे हैं मोदी जी। आपको बता रहा हूँ कि अभी कल्कि का दूर दूर तक तो अवतार होना नहीं है, और कल्कि का धाम आप बना के बैठ गए हो। पहली बात तो आपको ये बता दूं, कलयुग में भगवान के विष्णु के 10 अवतार पूरे सृष्टि में होने थे, जिसमें कलयुग में अंतिम अवतार जो है 10वां अवतार कल्कि के रूप में होना है। तो जरा सा मैं ब्रीफ के लिए आप जरा सा दर्शकों को पढ़ के सुना दे, तो कलयुग का अर्थ क्या कहा गया है।
कलयुग का अर्थ है कलह का युग, सर्वत्र कलह व्याप्त है, केवल अपना स्वार्थ ही मुख हो गया है, मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल और शारीरिक बल नष्ट हो रहे हैं, मनोबल के कमजोर होने के कारण विषय भोगों की इच्छाएं पैशन बढ़ रहे हैं, हम रेस्टलेस, इंटॉलरेंट, एंगर और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बुद्धि बल के क्षीण होने से विचारहीन प्रवृत्ति बढ़ रही है, असत्य पर विश्वास, छल पर भरोसा करके दया भावना, करुणा, प्रेम, मैत्री, सहयोग, सेवा, परोपकार की भावना समाज से नष्ट हो रही है। जो अंधभक्त बन रहे हैं वो इसी वजह से बन रहे हैं क्योंकि आपका बुद्धि बल क्षीण हो चुका है, शारीरिक बल की दुर्बलता से इम्यूनिटी वीक होती जा रही है हमारी, और रोग बढ़ रहे हैं, मन की कंसंट्रेशन फोकस बिगड़ रहा है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, पहली बात तो कलयुग के दर्शकों को जानना चाहिए कि कलयुग की टोटल आयु कितनी है, 432,000। जो वैदिक ज्योतिष, ये भी ज्योतिष का विषय है क्योंकि काल की गणना ज्योतिष ही करता है, 432,000, जिसमें संजय जी मात्र अभी 5,000 से कुछ ज्यादा ही वर्ष अभी निकले हैं, 432,000 और 5,000 प्रमोद कृष्ण जी हमारे वहां कल की धाम खोल के बैठ गए। तो प्रमोद जेपी नड्डा कहते हैं वो देवताओं के देवता हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं देवताओं के देवता। मैं आपको ये दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, किसी इलॉजिकल बात है कि जिसका अभी तक हम सब भी नहीं रहेंगे, हमारे लाखों जन्म हो जाएंगे, हम सबके मरमरा करके जाना कहां पहुंचेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, 432,000 में जब कलयुग, तो उसमें आपको बता देता हूं कि कल्की का जो अवतार होगा, जो दर्शकों की जानकारी के लिए, उसके बाद आपका प्रोग्राम समाप्त करेंगे। कलयुग के 4 चरण कहे गए हैं, मतलब 432,000 टोटल ईयर, सोलर ईयर, उसके 4 चरण। तो अभी प्रथम चरण चल रहा है, द्वितीय चरण में क्या है, लोग जो है शादियां करना बंद कर देंगे ऐसा कलयुग में। ये मैं भविष्य पुराण दिखाता हूं, ये भविष्य पुराण जो है, इस भविष्य पुराण में कल्की के अवतार का वर्णन है, ये दर्शक देख लें। अगले दौर में शादियां बंद, हाँ अगले दौर में ये लोग लिविंग इन रिलेशनशिप, गे मैरिज होना शुरू हो जाएंगी, और वो तो हो रही है, लैंगिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, लड़का लड़के के संग रहेगा, लड़की लड़की के संग रहेगी। ये तो ये पुराण तो 5,000 साल पहले लिखे गए व्यास जी द्वारा, व्यास जी ने गणेश जी से लिखवाए थे, तो व्यास जी ने बोला था, गणेश जी ने लिखे ये सारे के सारे पुराण, 18 पुराण है हमारे हिंदू धर्म में, तो उस पुराण में पहले से ही मेंशन है 5,000 साल पहले कि द्वितीय चरण आते आते लोग किन्नर हो जाएंगे यहाँ पर, तो किन्नरों का शासन हो जाएगा, लोग ज्यादातर गे बने गे रहे, गेयों की संख्या गे ज्यादा बढ़ जाएगी, तीसरे चरण में आकर के जो है इनका नाश होगा, फिर मलेच्छों का शासन और बढ़ेगा, और चौथे चरण में जब मनुष्य की आयु इतनी कमजोर हो जाएगी, इसमें इसी भविष्य पुराण में लिखा है कि मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष की रह जाएगी, मतलब हम पैदा होते जल्दी मर जाएंगे, अभी भी हम 60-65 में हमारा खेल खत्म हो जाता है, हमारी एवरेज आयु गिरती जा रही है, तो उस समय एवरेज आयु मनुष्य की 20 वर्ष की रह जाएगी। तब तो कल्की के रूप में वहां पर एक जो है भविष्य पुराण लिखता है, संभल गांव में विष्णु यशा नाम के व्यक्ति के घर, एक गरीब ब्राह्मण के घर, और उसकी पत्नी विष्णु कीर्ति होगी, उसके घर में एक बालक जन्म लेगा। और मैं जल्दी से बता, व्यास जी कहते हैं भगवान कल्की विष्णु कीर्ति से संसार का कल्याण करने वाले पूर्ण अवतार नारायण मार्गशीर्ष मास के, मार्गशीर्ष महीना जो होता है उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अंधकार पूर्ण रात्रि में कल्की रूप में उत्पन्न होंगे, साथ ही ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सभी देवता भी जन्म लेंगे। व्यास जी कहते हैं भगवान कल्की खड़ग, कवच और ढाल धारण करके दिव्य अश्व पर सफेद घोड़े पर सवार, 5,000 साल बाद, अभी तो 5,000 निकले हैं, वो तो 432,000 जब आपका अंत होगा चौथे चरण का, तो उसमें सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों मलेच्छों का नाश कर योग मार्ग का आश्रय लेंगे, 16,000 वर्ष तक उनका शासन रहेगा, उसके बाद कलयुग समाप्त होगा, तब जाके सतयुग शुरू होगा। तो आप एक घटना करने जा रहे हैं मोदी जी, उसमें भी चल दिए, तो मोदी जी को कोई बात नहीं है, जल्दी से दर्शकों को ये बता देता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, संबल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, शफीउर्रहमान वर्क सांसद हैं, प्रमोद कृष्णन चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा जमीन तलाश रही है, तो मोदी जी को कोई कल्की जी और विष्णु जी से मतलब नहीं है, एक लोकसभा की सीट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मोदी जी संभल जा रहे हैं, बात को समझ ही आ रहा है। ये कि अभी किसानों के जैसे किसान सड़कों पर आए हैं, और जो किसानों के साथ वार्ताप राजा जो कर रहा है, अब आप बताइए कि जो रामराज की जो योगी जी से लेकर के सारे बीजेपी वाले कहते हैं, मैं दर्शकों को रटा देता हूं, मेरा काम है बतावर बोलना, क्योंकि आप इस पर चिंतन करें, मेरा आपसे जो संवाद होता है केवल इसलिए कि शास्त्र को चिंतन करिए कि शास्त्र क्या कहता है और समाज में वही दिख रहा है। तो रामराज कैसा रामराज है कि जहाँ किसान अपने अपनी जनता को आप सड़कों पर बिठाए, बेचारों को सर्दी गर्मी बरसात में उनको प्रताड़ित कर रहे हो, उन पर गोलियां चलवा रहे हो,
रामराज में प्राकृतिक प्रकोप नहीं आते, अकाल मृत्यु नहीं होती, चोरी, महिलाओं और कमजोर वर्गों पर अत्याचार नहीं होता, राजा अपनी जनता का सम्मान करता है, लोग भय मुक्त होकर संवाद करते हैं, रोग महामारी नहीं आते, ब्राह्मणों आचार्यों का सम्मान होता है, सभी वर्ग सभी प्राणी प्रसन्न चित्त और आनंदित रहते हैं। ये रामराज के विपरीत हो रहा है जो किसानों के साथ आप कर रहे हो, तो आप किसका मतलब पाखंडी हो? एक और जल्दी से कहते तो रजो, राम जी ने भरत को कहा ये आप इसलिए कहें कि मोदी जी ने कल रेवाड़ी में रैली करी लेकिन किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला। तो दर्शक, ये देश के सारे नागरिक, विश्व के लोग चिंतन करें कि मोदी जी का व्यक्तित्व कैसा है जो राम जी ने भरत को कहा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके, तीसरी बार आपके प्रोग्राम में, ये सदैव निंदा करने वाले दुष्ट कौन होता है? राम जी कहते हैं भरत से दुष्ट कौन होता है? ये सदैव निंदा झूठ का आचरण करने वाले, दूसरों की तरक्की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करने वाले, काम क्रोध अहंकार लोभ परायण निर्दयी कपटी कुटिल और अनेक पापों से युक्त होते हैं, वे बिना कारण ही किसी से दुश्मनी कर लेते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं, उनके संपूर्ण आचरण में झूठ पाखंड दिखावा छल और कपट होता है। तो ये राम जी कह रहे हैं, तो वो मोदी जी के बच्चों का एग्जाम है आपके, हनुमान जी की आपकी वो सुनबू में दो लाइन है, बच्चों का एग्जाम है, एक लाइन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ये देखिए बच्चों से मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके बिस्तर पे बैठ के ना पढ़े, आप कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़े। कारण यह है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, अगर बच्चे खुद चिंतन करें, बच्चे आज के बड़े समझदार हैं, नॉलेजेबल हैं, कि हमारी स्पाइन सीधी होती है, तो स्पाइन से हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन से कनेक्टेड है, कि जब आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं तो आपकी ये गर्दन पर टेढ़ापन आता है, यहाँ पर स्ट्रेस एक्युमुलेट हो जाता है, और कमर भी झुकी रहती है तो कमर में भी स्ट्रेस एक्युमुलेट हो जाता है, तो इससे क्या है, आपका नर्वस सिस्टम काम ठीक से नहीं करता और आपको नींद जल्दी आ जाएगी और थकावट महसूस होने लगी। तो कृपा करके बच्चे सीधे बैठ के पढ़ें और कुर्सी मेज पर पढ़ें, सादा भोजन करें। हर प्रोग्राम में मैंने कहा आपके दर्शकों के लिए जो पांच सिद्धांत बता रहा हूं, जो खुश रहने के, प्रसन्न रहने के हैं, फ्री फ्रॉम योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड एंड जेलसी, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फ्री फ्रॉम योर माइंड फ्रॉम वरीज, लिव सिंपली इन हार्मोनी विद नेचर, means diet and lifestyle, give more and expect less, don't be possessive। इसके अलावा जो स्वास्थ्य का हमारा भावनाओं से सीधा सीधा संबंध है, भावनाओं और संकल्पों का हेल्थ से सीधा संबंध है, सद्भावनाओं और सद्विचारों से ही अच्छा स्वास्थ्य बनता है, क्रोध ईर्ष्या निंदा करना भेदभाव घृणा भय एवं अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं से सदैव ही स्वास्थ्य कमजोर होता है, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थॉट से ही हम स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। इसके साथ ही एक कुंडली में दिखाता हूं जल्दी से पिता पुत्र की, कि ये विचित्र है, राहुल गांधी और राजीव गांधी की। राजीव गांधी का जन्म जो हुआ है, ये दर्शकों को दिखाइएगा, राजीव गांधी का जन्म हुआ 20 अगस्त 1944 को बंबई में और 19 जून 1970 को राहुल गांधी का। और पिता पुत्र की कुंडली में दर्शक देखें, जब आप कुंडली दिखाएंगे कि सूर्य और गुरु का दोनों के कुंडली में एक योग आ रहा है, जिसकी भी कुंडली में सूर्य और गुरु का योग होता मतलब पिता और पुत्र दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और एक चीज और आगे बढ़ के बताता हूँ, पिता से भी ज्यादा एम्पैथी मतलब जिनके अंदर दया करुणा राहुल गांधी के अंदर ज्यादा है, अपने पिता से भी ज्यादा। राहुल गांधी के पास एक और बहुत अच्छा गुण है कि इंट्यूशन का बहुत अच्छा गुण है। इसके साथ मैं तो ये दर्शक देखें कि अच्छा व्यक्तित्व कैसे देखा जाता है। और जल्दी से श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रब बुद्धिहीन तनु जान के कलेश का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बच्चों के लिए हनुमान जी अच्छे नंबर आए और अच्छी उनकी स्टडी हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आभार आपका, थैंक यू। तो ये थे राजीव नारायण जी, और उन्होंने कहा कि जो आने वाले 4 महीने हैं, मंगल की ग्रह की वजह से भाजपा की स्थिति खराब रह सकती है। क्या होगा मैं नहीं जानता, ये उनकी गणना है, उनकी बात है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर ये बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।